आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का हलवा। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप काजू और बादाम का दरदरा पिसा हुआ मिश्रण जिसमें काजू और बादाम की बराबर मात्रा है, आधा कप चीनी, आधा कप देसी घी, एक इलायची पीसी हुई, थोड़ी सी पिस्ता की कतरन। सबसे पहले एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे और गैस ऑन कर देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। अब सबसे पहले उसमें हम डालेंगे देसी घी, इसे मेल्ट होने देंगे। अब इसमें डालेंगे काजू और बादाम का मिक्सचर, गेहूं का आटा और लो फ्लेम में इसे इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे सेकेंगे। और एक तरफ हम लगभग 1.5 कप पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये जो हमने बादाम और काजू का मिक्सचर डाला है ना इसमें, इससे हलवे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए इसने ऐसा ब्राउन कलर ले लिया है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तब हम इसमें पानी डाल देंगे, गरम किया हुआ पानी जो कि लगभग 1.5 कप था, और इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब देखिए इसने घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये इलायची पाउडर। थोड़ी सी देर हम इसको हिला लेंगे इस तरह से। अब आप देखिए चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है, इसने घी भी छोड़ दिया है। तब ये हमारा हलवा रेडी हो गया है और अब हम गैस बंद कर देंगे। तो ये तैयार हो गया है हलवा। अब इसमें हम थोड़े से पिस्ते डाल देंगे। तो तैयार हो गया है हलवा। इसमें जो हमने काजू और बादाम का मिक्सचर डाला है उससे ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रिच हो जाता है। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।